वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 1 का बी पार्ट पढ़ने। इस लेसन का नाम है प्राकृतिक संख्याएं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी पहली एक्सरसाइज दे दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर लिया कीजिए, वहाँ पर आपको सभी एक्सरसाइज ईजिली मिल जाएंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जो है वो संख्याएं दे रखी हैं, उन्हें देखकर हमें यहाँ पर कुछ विकल्प दे रखे हैं, उसमें से उस वर्ड को फिल करना है, उस संख्या को फिल करना है। जैसे देखो पहली लाइन क्या है, पहला क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 8। एकदम क्रमागत संख्याएँ ना, एक के बाद एक आ रही हैं, तो वैसे ही इसमें भी एक के बाद एक आएंगी। तो यहाँ देखें 23, 24, 25, अब यहाँ क्या आना चाहिए 26, ठीक है, तो उसके बाद 27, क्योंकि ये संख्याएं क्या हैं, क्रमागत आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 26 जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें क्या है, इसमें तो आगे बढ़ रही थी संख्याएं, अब इसमें क्या है, सब घटे क्रम में है, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, तो वैसे ही इसमें भी जो है उल्टे ही घटे क्रम में ये रहेगा। तो 35, 34, यहाँ पर क्या आना चाहिए 33, 32, 31, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 33, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छाट कर लिखिए। यहाँ पर जो है प्रश्न दिया है और उसके 4 विकल्प दे रखे हैं और इसमें से केवल एक ही विकल्प सही है, उस पर हमें सही लगाना है, उसी पे टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी क में 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। एक चीज़ ध्यान दो, अनुवर्ती मीन्स होती है बाद की, ठीक है, अनुवर्ती मीन्स होती है बाद की संख्या। और पूर्ववर्ती मीन्स होती है पहले की संख्या। जस्ट उसके पहले की संख्या, ठीक है, और जस्ट उसके बाद की संख्या ही जो है यहाँ पर लिखना है। तो अनुवर्ती मीन्स हो गई बाद की संख्या और पूर्ववर्ती मीन्स हो गई पहले की संख्या, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अब 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या यानी उसके बाद की संख्या, तो 13 के बाद क्या आता है 14, ठीक है, तो ये इसकी जो है अनुवर्ती संख्या हो गई। नेक्स्ट है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता है, पहले की संख्या, यानी 27 से पहले क्या आता है 26, ठीक है, तो ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब 6 की जो है अनुवर्ती बताना है, तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 6 और 7 होगा, नहीं 8 होगा, क्योंकि 6 के बाद तो 7 आता है, 8 तो हो ही नहीं सकता, 6, 7, 8 तीनों तो हो ही नहीं सकते, इसलिए केवल 7, ठीक है। 6 के बाद क्या आता है 7, यानी कि ये वाला सही है, यानी 4th ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 15 से पहले क्या आता है 14, तो इसमें से 14 वाला केवल 14 ही सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से आप जो है टिक लगा लीजिए, आपका ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सत्य और असत्य का है, उसे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती मीन्स क्या हुआ, बाद की संख्या है, तो हमें हमेशा क्या करते हैं, जो अनुवर्ती संख्या होता है उसमें एक जुड़ जाता है और जो पूर्ववर्ती संख्या होता है उसमें एक घट जाता है। तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, हमारा जो है इसकी अनुवर्ती संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसमें आप एक जोड़ दीजिए, 10 का 0 हाँसी लगाए 1, 10 का 0 हाँसी लगाए 1, 10 का 0 हाँसी लगाए 1, 10 का 0, यानी कि पूरा ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, इसमें क्या था अनुवर्ती ज्ञात करना था, तो हमने एक जोड़ दिया था, और इसमें हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है यानी कि हमें इसमें एक घटा देना है, तो इस संख्या में से हम एक को घटा देंगे, ये भी 0 हो गया, 0, 0, 0, 0, 1, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर आ गया पूरा 100,000, ठीक है, तो ये इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो आपको जो है एक संख्या रेखा बनानी है और उस पर 9 तक जो है प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित करनी है। तो हमने ये संख्या एक रेखा बना ली। अब इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर सारी संख्याएं 9 तक लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। पहले तो आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिख के उसमें उतनी जीरो लगा दो, ठीक है। 4 अंक का हो जाएगा। 4 अंकों की छोटी संख्या है मतलब कितने भी अंकों की जो छोटी संख्या मांगी जाती है तो उसमें 1 लिख के उतने ही जीरो लगा के उस संख्या को प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। अब क्या करना है, इसकी हमें पूर्ववर्ती निकालना है। पूर्ववर्ती में हमें क्या करना होता है, 1 घटाना होता है। तो हम अगर इसमें से 1 घटा दें, इसने इसे हासिल लिया, ये हो गया 10, 10 में से गया 9, इसने इसको दे दिया था तो ये भी 9, और इसको इसने इसको दे दिया था तो ये भी 9, यानी कि इसकी जो पूर्ववर्ती हो जाएगी आपकी प्राकृतिक संख्या 999। तो इसका यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जब भी बड़ी संख्या हमें लिखनी होती है तो हम उतने बार 9 लिख देते हैं। जितनी भी संख्या मांगी जाती है उतने बार 9 लिख दो। तो 6 अंकों की हो गई, 6 बार आप 9 लिख दें, ये हो गई बड़ी संख्या। और इसका हमें क्या ज्ञात करना, अनुवर्ती यानी कि बाद का। तो हमें इसमें क्या करना होगा, 1 को जोड़ना होगा। अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, हाँसी लगाए 1, ये भी 10, हाँसी लगाए 1, 10, हाँसी लगाए 1, 10 का 0, हाँसी लगाए 1, 10 का 0, हाँसी लगाए 1, ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अनुवर्ती मीन्स होती है बाद की संख्या और पूर्ववर्ती मीन्स होती है पहले की संख्या। तो जब भी अनुवर्ती संख्या मांगेगा तो 1 जोड़ दिया जाएगा और पूर्ववर्ती संख्या मांगेगा तो 1 घटा दिया जाएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।